चलिए जी, मैं शिवपाल सिंह राजपूत चिचली से हूँ। खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है गांव, और देखे तो खरगोन जिले का लास्ट गांव है। यहाँ पर चिचली के अलावा अदलपुरा गांव है, कठोरा है, खलटाका है, सामने निमोला है। यहाँ पर नर्मदा मैया की ऐसी स्थिति है कि जानवर भी पानी पीने से डरते हैं, इतना गंदा पानी हो जाता, बांस मारता है अंदर। अभी 4-6-8 रोज से पानी को छोड़ दिया है तो थोड़ा व्यवस्थित हो रहा है, लेकिन 2 अमावस से हम खुद नर्मदा में नहाए नहीं है। इतना गंदा पानी, खुजली आती है, बीमारियां पैदा होती है। और वास्तविक स्थिति यहाँ की देखें तो पुनर्वास को लेकर भी बहुत ही सरकार ने छलावा किया है जनता के साथ, यहाँ के लोगों के साथ। शराबबंदी के वादे करती है सरकार कि हम 5 किलोमीटर के दायरे में शराब नहीं बिकने देंगे, वह अच्छा गांव देंगे, स्वच्छ भारत अभियान चला रही है। लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ भी कई शराब, अवैध उत्खनन, इनके नाम पे बहुत ही गंदे काम हो रहे हैं। इस हिसाब से धंधा चला रहे हैं कुल मिला के अगर देखें तो। उसके बाद शराब हो गया, रेत उत्खनन हो गया अवैध तरीके से, फिर किसानों का जो अभी आंदोलन है तो अधिकारी लोग आते हैं और पूछते हैं कि ये कांग्रेसी किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार की ऐसी धारणा क्यों है कि किसानों को कांग्रेस बीजेपी में बांटती है? किसान तो किसान होता है। अब नेता का नाम पूछती है, लिस्ट बनाओ कौन जा रहा है, तो आज मैंने हाँ बोल दिया और कल मेरे को काम आ गया, नहीं गया तो क्या मेरा भी वहाँ दर्शाएगी सरकार की मैं भी गया था आंदोलन में? इस हिसाब से सरकार कुल मिला के गुमराह करना चाहती है, डरा रही है कि आप ये आंदोलन मत करो तो हम क्या हमारे हक की लड़ाई लड़ना बंद कर दे क्या, हमारी तकलीफ बताना क्या बंद कर दे क्या? हमें जीने का अधिकार चाहिए। सरकार से हमारे मौलिक अधिकारों के तहत हम मांगते हैं कि हमें हमारे मौलिक अधिकार चाहिए। सरकार मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में बहुत वादे कर देती है। सरकार ने कहा था हम चुनाव जीतने के बाद स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट करेंगे, तो वो भी नहीं किया उन्होंने। तो मतलब अपनी घोषणाओं से वो घोषणाएँ कर देती है और फिर वो घोषणाएँ अधूरी रह जाती है। इस हिसाब से सरकार वादे करके भूल जाती है, और हम चाहते हैं कि हमें हमारे अधिकार मिले। सरकारों ने जो कोर्टों ने जो आदेश दिए उनका सरकार भी पालन करे। जिस हिसाब से सरकार नियमों का, कानून का पालन करवाती है, तो हम भी चाहते हैं कि सरकार भी कानूनों का पालन करे और जनता को जीने का अधिकार दें।